हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने एन मींस एनथ टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, 5.2 एक्सरसाइज की थी, और आज हम एक्सरसाइज 5.3 में एस एन मींस सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म से रिलेटेड फार्मूला और क्वेश्चंस करेंगे। तो एस एन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एस एन जैसे ए एन की अगर बात करें तो ए एन किसको डिनोट करता था, एनथ टर्म को, एनथ नंबर की टर्म को डिनोट करता था। और यहाँ पे हमारे पास एस एन जो है इट डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो जो भी हमारे पास ए पी की है उसकी फर्स्ट एन टर्म्स को डिनोट करता है एस एन। मीन्स एस एन जो है इट इज ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सो ऑन अप टू ए एन। मीन जो हमारे पास एस एन है इट इज ए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। और सिमिलरली यहाँ पे अगर एस वन की बात करें तो अगर एन की वैल्यू वन सब्स्टिट्यूट कर दें, तो अगर एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें वन, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वन टर्म। तो वो फर्स्ट वन टर्म कौन सी होगी, सिर्फ ए वन होगी। तो एस वन किसको डिनोट करता है, ए वन को। एस टू की अगर बात करें तो इट इज ए सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मीन्स ए वन प्लस ए टू। एस थ्री विच इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। एस फोर विच इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर एंड कंटिन्यू लाइक दिस। अगर आपके पास एस टेन आ जाए देन इट इज ए वन प्लस ए टू एंड सो ऑन अप टू ए टेन। एंड सिमिलरली अगर एस हंड्रेड की बात करें तो एस हंड्रेड जो है इट इज सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, सो अप टू ए 100। सो एस एन जो है इट इज ए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। ओके, नाउ इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। सपोज वी हैव ए पी 3,5,7,9। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ए जो हमारे पास 3 है, और डी की अगर बात करें तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो एस वन जैसे हमने किया था विच इज इक्वल टू ए वन, तो दैट इज इक्वल टू 3। एस टू की अगर बात करें इट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, एस टू विच इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू। तो ए वन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 है और ए टू की वैल्यू 5 है, तो एस टू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8। सिमिलरली एस थ्री की अगर बात करें, नो एस थ्री विच इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये हमारे पास 3 प्लस 5 प्लस 7, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो 3 प्लस 5 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 15। सिमिलरली एस फोर की अगर बात करें तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स का सम है 24। नाउ एस 37, सम ऑफ फर्स्ट 37 टर्म्स। तो अब कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए हम एस एन का फार्मूला करेंगे। तो एस एन का फार्मूला हमारे पास क्या है, एस एन का फार्मूला कैसे फाइंड करना है, हमने एस एन की वैल्यू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो ए की वैल्यू इस एपी में 3 है और डी की वैल्यू क्या है, 2। और एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में क्या पूछा गया है। तो जैसे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में एस 37 है, तो हम एन की वैल्यू 37 सब्स्टिट्यूट कर देंगे जहाँ जहाँ पे भी एन है, जहां जहां पे भी एन है एन की वैल्यू 37 पुट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी S37 की। आल्सो एक और फार्मूला है, एक तो हमारे पास ये फार्मूला है एस एन का, ये वाला आपने करना है, और दूसरा एक और फार्मूला है एस एन का विच इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। मीन्स अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर दोनों टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है और एन की वैल्यू पता है, देन एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। नाउ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ना फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमने एपी हमें गिवन है और इसकी
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि टेंथ टर्म्स का हमने क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। मींस यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एस10 की वैल्यू फाइंड करनी है। नो एपी हमें गिवन है, इस एपी में ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 5 है, और एसएन का फार्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे एन बाई टू, 2a + n - 1 इंटू डी। अब सेकेंड वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि उस फार्मूले में हमारे पास क्या था, एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, मीन्स a1 + an। अब यहाँ पे क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता, टेंथ टर्म नहीं पता, तो हम यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए की एन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 10 आ जाएगी, ए की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और डी की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास S10 की वैल्यू आ गई, विच इज 245। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमें एपी गिवन है और यहाँ पे हमने 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है। फर्स्ट 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो मीन्स S100 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन Sn का फार्मूला यूज करेंगे, एन बाई टू इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। एन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 100 है, ए की वैल्यू 0.6 और डी की वैल्यू हमारे पास 1.1 है, और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास S100 की वैल्यू आ गई 5505। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दी सम। अगेन हमें एपी गिवन है, यहाँ पे हमने 12 टर्म का सम फाइंड करना है, मीन्स S12 की वैल्यू फाइंड करनी है। S10 Sn में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो S12 की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 × -30, विच इज इक्वल टू -180। नाउ नेक्स्ट पार्ट, एपी हमें गिवन है और यहाँ पे हमने S11 की वैल्यू फाइंड करनी है, 11 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1/15 है, और डी की वैल्यू की बात करें तो वो हमारे पास सिंप्लीफाई करके a2 - a1 करके 1/60 आ गई। तो Sn अगेन n/2 इंटू a2a + n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे S11 की वैल्यू मीन सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स हमारे पास कितना आ गया, 11/2 × 9/30, तो 33/20, दिस इज S11। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में अब यहाँ पे देखिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या था कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन थी कि आपने 11 टर्म्स का फाइंड करना है या 100 टर्म का सम फाइंड करना है, मीन्स यहाँ पे एन की वैल्यू गिवन थी। लेकिन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें ये नहीं गिवन कि एन की वैल्यू क्या है, हमने क्या लेनी है, कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, मीन्स अगर ये जो 10 है, इस एपी की 10th जो हमारे पास 10 आ रही है, ये कौन से नंबर की टर्म है, तो उससे हमें पता चल जाएगा, एन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ए की वैल्यू तो हमें पता है, डी की वैल्यू हमें पता है, लेकिन यहाँ पे हमें एन की वैल्यू नहीं पता। ए वन की वैल्यू भी पता है, ए एन की वैल्यू भी पता है। अगर हम सेकेंड फार्मूला लगाने की भी कोशिश करें तो विच इज a1 + an n/2, तो n/2। अब अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी हमें पता है, लास्ट टर्म भी पता है, लेकिन यहाँ पे हमें n की वैल्यू नहीं पता, तो सबसे पहले तो n की वैल्यू फाइंड कर देंगे। उसके लिए सबसे पहले 10 को कंसिडर करेंगे an, तो an का फार्मूला लगा दिया a + n - 1 × d। तो यहाँ से हमने n की वैल्यू पता कर ली, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 13। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, 13th टर्म है। कौन सी टर्म है, 13th टर्म। इसका मतलब ये हो गया कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, 34 से लेके 10 तक कितनी टर्म्स हैं, 13 टर्म है। तो अब हम S13 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेकंड फार्मूला यूज कर लिया, 13/2 × a1 + an, ठीक है। तो वे दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास S13 की वैल्यू, मीन इस एपी का सम आ गया हमारे पास 286। तो सेम क्वेश्चन वैसे ही, ए वन की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे ये नहीं पता कि ये जो लास्ट टर्म जो -230 गिवन है, ये कौन से नंबर की टर्म है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले इसको ए एन कंसिडर करेंगे, तो ए एन कंसिडर करके ए एन का फार्मूला यूज कर लिया हमने। तो ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास एन की वैल्यू 76 आ गई। इट मीन्स इस एपी में
-5 से लेके -230 तक कितनी टर्म्स हैं? 76 टर्म्स हैं। तो अब एस एन का फार्मूला यूज कर लिया, एन बाई टू ए प्लस ए एन, तो वहां से हमारे पास वैल्यू आ गई एस 76 की -8930। तो इस एपी का अगर सम की बात करें तो वो हमारे पास आ गया -8930। नाउ थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे ए एन की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अगेन हमें एन की वैल्यू नहीं पता, तो एक तो हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है और जब एन की वैल्यू आ जाएगी तो हम एस एन की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो एन पता करेंगे, क्योंकि एस एन के हमारे पास टू फार्मूले हैं, दोनों में हमें एन की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। तो एस एन के फार्मूले में, ए एन के फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ए और डी की, तो यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू 16 आ गई। तो इट मीन्स एस एन जो हमारे पास है 8 × 55, मीन्स एस एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 440। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू पता है, यहाँ पे 13th टर्म पता है और यहाँ पे हमने एक तो डी की वैल्यू फाइंड करनी है और एक S13। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली लगा सकते हैं कि 13/2 a1 + a13। तो 13/2 a1 विच इज 7 और a13 हमारे पास 35 है, तो ये S13 तो हमारे पास हो गया, लेकिन D की वैल्यू के लिए हमें An का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो A13 विच इज 35, A13 का फार्मूला हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला ऑफ An, A13 की वैल्यू हमारे पास आ गई A+12D। तो वहाँ पे A और D की वैल्यू, A और N की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद D की वैल्यू 7/3 आ गई, ठीक है। D की वैल्यू 7/3 आ गई और S13 की बात करें तो वो हमें, हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 13/2 a1 + an, तो वो हमारे पास आ गया 273। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डी की वैल्यू पता है, एस 9 की वैल्यू पता है, यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता और a9 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब S9 की वैल्यू गिवन है, मीन्स सबसे पहले तो हम Sn का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि S9 की वैल्यू गिवन है। तो जो जो वैल्यू आपको पता है, डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। S9 की वैल्यू पता है, वो सब्स्टिट्यूट कर दी। ए की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन एन की वैल्यू पता है, वो सब्स्टिट्यूट कर दी। डी की वैल्यू पता है हमने, वो सब्स्टिट्यूट कर दी। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -35/3। नाउ अब ए की वैल्यू पता चल गई। नाउ a9 की अगर बात करें, विच इज a+8d, an का फार्मूला यूज कर लेंगे, a+n − 1 × d, तो n की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 9। तो यहाँ पे हमारे पास a9 की वैल्यू आ गई a+8d। तो a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास a9 की वैल्यू आ गई 85/3। नाउ नेक्स्ट, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है और एन की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे हमने एक तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरी ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ क्योंकि एस एन की वैल्यू पता है तो एस एन का फार्मूला यूज कर लेंगे। तो एस एन के फार्मूले में जो जो वैल्यू पता है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक एन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक तो एन की वैल्यू 5 आ गई और दूसरी हमारे पास आ गई -4.5। ना तो नेगेटिव हो सकती है ना डेसिमल में हो सकती है, तो एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो एन की वैल्यू 5 आ गई। अब ए एन मतलब एन की वैल्यू हमें 5 पता चल गई, तो यहाँ पे हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? a5 की। तो a5 विच इज इक्वल टू a+4d। अब ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या आ गई? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू पता है और यहाँ पे हमें एस एन की वैल्यू भी पता है, एन और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्योंकि यहाँ पे अब ए एन और एस एन दोनों की वैल्यू पता है, तो दोनों का फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले एस एन का यूज किया तो वो हमने लगा दिया, सेकेंड फार्मूला यूज कर लिया एस एन का, n/2 a+an। तो वहां से हमारे पास एन की वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू की अगर बात करें तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6। तो अब एन की वैल्यू पता चल गई हमें 6 है,
तो अब एन की अगर बात करें, मीन्स ए सिक्स विच इज इक्वल टू ए प्लस 5d, ए की वैल्यू हमारे पास 8 है, और अब हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी के लिए अगेन सबसे पहले एन का फार्मूला यूज करेंगे। नाउ एन की वैल्यू 62 सब्सटीट्यूट कर दी, ए की सब्सटीट्यूट कर दी, तो पहले तो हमने क्या की, डी की वैल्यू फाइंड की। तो पहले हमने डी की वैल्यू फाइंड कर ली, तो वो हमारे पास आ गई 54/5। नाउ एन की वैल्यू फाइंड कर ली, डी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। अगर और कुछ अगर फाइंड करने को बोलता तो वो, अब क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई, तो अब हम कोई भी वैल्यू अगर पूछे तो ए एन या एस एन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें डी की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू पता है और एस एन की वैल्यू पता है। तो अगेन एस एन और ए एन दोनों का फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले ए एन का फार्मूला यूज किया, तो वहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ए इज इक्वल टू 6 - 2n। अब एस एन का फार्मूला यूज किया, तो वहां से हमारे पास जो ए था एस एन के फार्मूले में, ए की वैल्यू थी वो सब्सटीट्यूट कर दी 6 - 2n, तो ये हमारे पास एन में क्वाड्रेटिक आ गई। तो यहां से एन की वैल्यू एक तो 7 आ गई और एक -2, तो -2 तो हो नहीं सकती, तो एन की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। तो एन की वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें फर्स्ट में, तो ए की वैल्यू हमारे पास -8 आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टर्म मतलब एल एल यहाँ पे हमें ए एन की वैल्यू गिवन है विच इज 28, एस एन की वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे हमें ये भी गिवन है कि टोटल कितनी टर्म्स है, 9 टर्म्स है। तो इट मीन्स ये हमारे पास S9 है और ये हमारे पास क्या है, A9। A9 की वैल्यू 28 है और S9 की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 144। तो हमने सिर्फ A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A की वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गई, 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, A12 हमें गिवन है, D की वैल्यू पता है, तो सबसे पहले तो A की वैल्यू फाइंड करेंगे। A12 का फार्मूला A+11D यूज करके, तो A की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब S12 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो SN का फार्मूला यूज कर लिया, तो वो हमारे पास S12 की वैल्यू आ गई 246। नाउ नेक्स्ट, A3 की वैल्यू पता है, S10 की वैल्यू पता है, और हमने यहाँ पे D और A10 की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ A3 विच इज A+2D, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, A+2D इज इक्वल टू 15। अब SN के फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो जो वैल्यू पता है, तो यहाँ से हमारे पास 2A+9D की वैल्यू क्या आ गई, 25। तो अब ये दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को इधर बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, सबसे पहले डी की वैल्यू -1 आ गई, और डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर इन 1 और 2, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 17। तो अब ए की वैल्यू आ गई है, डी की वैल्यू आ गई है, और वैल्यू यहाँ पे किसकी पूछी गई है, A10 की। तो A10 विच इज A+9D, तो यहाँ पे हमने A और D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, A10 की वैल्यू भी आ गई है। और नेक्स्ट हमारे पास है, A की वैल्यू पता है, N की वैल्यू पता है और SN की वैल्यू पता है, D की वैल्यू फाइंड करनी है। SN का फार्मूला यूज किया, वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो वहां से हमारे पास D की वैल्यू आ गई विच इज 6। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ DAP 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू दी गिवन सम, गिवन ए सम ऑफ 6, 3, 6। तो कितनी टर्म्स है इस AP की, सो दैट कि अगर इस AP की नंबर ऑफ इनका सम किया जाए, तो हमारे पास जो सम है वो किसके इक्वल आए, 636 के इक्वल आए। ठीक है, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू तो हमें पता है और डी की वैल्यू, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू 9 है और डी की वैल्यू 17 - 9 विच इज 8। अब क्योंकि लास्ट टर्म तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे सेकेंड फार्मूला तो नहीं हम लगा सकते,
तो यहां पे हम यूज करेंगे फर्स्ट फार्मूला एस एन का। एस एन की वैल्यू भी हमें पता है 636, तो यहां पे हम फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी विच इज 636। यहां पे हमें ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, और ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास एन में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू। नाउ यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 9 है, डी की वैल्यू 8 है, और एस एन की वैल्यू विच इज 636। फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे जैसा मैंने आपको बताया, तो ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये एन में क्वाड्रेटिक आ गई, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 4n² + 5n - 636। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से या मिडिल टर्म सब्लिट करके सॉल्व कर लेंगे। तो एक तो वैल्यू हमारे पास एन की आ गई फ्रैक्शन में, तो वो तो हो नहीं सकता, तो एन की वैल्यू जो सेकंड वैल्यू आई है हमारे पास 12, सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एन। सो एन की वैल्यू इट मीन्स इस एपी में अगर 12 सम का अगर ऐड करें, 12 टर्म्स का अगर सम फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 636। इट मीन्स ये जो 636 है ये किसकी वैल्यू है, S12 की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी हमें ये गिवन है, और लास्ट टर्म 45 गिवन है, और सम की वैल्यू भी गिवन है, एस एन की वैल्यू भी गिवन है। एस एन की वैल्यू 400 है, लास्ट टर्म ए एन हमारे पास 45 है, और ए जो है दैट इज 5। तो यहाँ पे हमें एन की वैल्यू फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो क्योंकि ए एन और एस एन दोनों की वैल्यू पता है, तो दोनों का फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले एस एन का फार्मूला यूज किया, तो यहाँ वहां से हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ गई, 16। तो ए एन का फार्मूला यूज करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और एन की वैल्यू हमें पता है 16, यहाँ से हमने फाइंड किया, और ए एन की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब डी की वैल्यू भी हमें पता चल गई है, और डी की वैल्यू की अगर बात करें, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 40/15 विच इज 8/3। तो डी की वैल्यू आ गई है, और एन की वैल्यू भी हमारे पास 16 आ गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी हमें गिवन है। फर्स्ट टर्म मीन्स ए की वैल्यू हमें गिवन है A1, और वी कैन से दैट ए, और लास्ट टर्म की वैल्यू भी हमें पता है 350, और अगर कॉमन डिफरेंस हमारे पास 9 है, तो हमने ये पता करना है कि हाउ मेनी टर्म्स, इस एपी में कितनी टर्म्स हैं जिसकी लास्ट टर्म जो हमारे पास है -350 की इक्वल है, और अब उसके बाद क्या करना है, उसका सम भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए एन का फार्मूला यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू ए एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डी की वैल्यू भी पता है वो भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ गई, 38। नाउ अब एन की वैल्यू आ गई है, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है सम फाइंड करना है, मीन्स S38 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एन की भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए की, और ए एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास S38 की वैल्यू आ गई है 6973। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मीन्स S22 की वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर उस एपी में डी की वैल्यू में 7 गिवन हो, और उसकी 22nd टर्म जो है वो 149 के करो। A22 की अगर बात करें विच इज A+21D, तो वहां से हमारे पास ए की वैल्यू 2 आ गई है। तो अब ए की वैल्यू आ गई है, और एस एन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, S22 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास 22 है, ठीक है। तो S22 की वैल्यू आ गई 11 × 151। लास्ट फार्मूले सेकेंड फार्मूले में यूज कर लिया हमने, वहाँ पे सेकेंड फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो S22 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1661। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, S51 की वैल्यू फाइंड करनी है, सेकेंड टर्म की वैल्यू गिवन है, और थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले तो डी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि कंजेक्टिव
टर्म्स गिवन है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। नाउ ए टू विच इज ए प्लस डी, ए टू जो है विच इज ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू तो हमने फाइंड करेंगे यहाँ पे, हमें वो तो पता नहीं है लेकिन डी की वैल्यू और ए टू की वैल्यू पता है, तो वो सब्स्टिट्यूट करके हमने क्या फाइंड कर ली, ए की वैल्यू। नाउ अब एस एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, S51 की वैल्यू पूछी है तो एन की वैल्यू 51 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए की वैल्यू 10 हमें पता है और डी की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हमारे पास S51 की वैल्यू आ गई 5610। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स S7 की वैल्यू में पता है 49, और 17 टर्म्स, फर्स्ट 17 टर्म्स की वैल्यू में पता है वो गिवन है 289, तो यहाँ पे हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स मीन्स एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एस एन की वैल्यू के लिए अब एन तो एज इट इज एन रहेगा क्योंकि एन टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब हमें चाहिए ए और डी की वैल्यू, तो उसके लिए इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, S7 और S17 को। नो सबसे पहले एस एन में एन की वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास ए प्लस 3D इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और सिमिलरली एन की वैल्यू 17 सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, तो वो हमारे पास आ गई ए प्लस 8D इज इक्वल टू 17। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ गई 2। अब डी की वैल्यू कहीं किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, इधर इन 1 और 2, तो अगर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें डी की वैल्यू, तो वहां से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है और डी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब वैल्यू यहाँ पे एस एन की पूछी गई है तो वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू ए और डी की, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एस एन की, तो एस एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एन स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट ए वन ए टू कॉमा सो ऑन कॉमा ए एन कॉमा सो ऑन फॉर्म एन ए पी, और यहां पे हमें क्या गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है। आल्सो फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, अब ए एन की वैल्यू में पता है तो सबसे पहले तो ए वन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए वन की वैल्यू कैसे सब चीज फाइंड करेंगे, तो एन की वैल्यू या अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर दें इस फार्मूले में, तो हमारे पास ए वन की वैल्यू मीन्स ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ए की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब हमने एन की वैल्यू ए टू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो एन की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फार्मूले में, तो हमारे पास ए टू की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो सबसे पहले तो हमने ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये जो ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन है ये क्या फॉर्म करती है एपी, तो इसके लिए हमने पहले तो ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ए टू माइनस ए वन किया यहाँ पे हमने डी, और ए थ्री माइनस ए टू किया, तो क्योंकि डिफरेंस जो था वो सेम आ रहा था, इट मीन्स ये जो ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन है तो ये क्या फॉर्म कर रही है, एपी फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो हमें ए की वैल्यू देती है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 आ गई और डी की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ पे पूछा क्या गया था, एक और क्वेश्चन था कि यहाँ पे हमने S15 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एन की वैल्यू 15, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ पे हमारे पास S15 की वैल्यू आ गई 525। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट करते हैं, तो अगर किसी एपी की अगर फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, फोर्थ टर्म गिवन है, तो जैसा कि हमें पता है S1 क्या है हमारे पास, विच इज फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू हमें गिवन है, S1 मीन्स हमें हमेशा फर्स्ट टर्म देगा, और S2 की अगर बात करें विच इज A1 प्लस A2 सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो S2 हमारे पास A1 प्लस A2 है। S3 की वैल्यू की बात करें A1 प्लस A2 प्लस A3, क्योंकि यहाँ पे S1 की वैल्यू जो है विच इज A1, तो S2 विच इज A1 प्लस A2, तो अगर यहाँ पे हम A1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें
तो एस टू की वैल्यू आ जाएगी एस वन प्लस ए टू। ए वन की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास आ गया है एस टू इज इक्वल टू एस वन प्लस ए टू। तो वहां से हमारे पास ए टू की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं विच इज एस टू माइनस एस वन। तो ए वन की वैल्यू हमारे पास क्या है एस वन, ए टू की वैल्यू की बात करें विच इज एस टू माइनस एस वन। ये कब करना है, जब हमें एस एन की वैल्यू गिवन होगी और हमने ए वन ए टू ए थ्री और ए एन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सिमिलरली एस थ्री की अगर बात करें तो एस थ्री विच इज ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री के इक्वल है, और ए वन प्लस ए टू की अगर बात करें विच इज एस टू प्लस ए थ्री, तो यहाँ से हमारे पास एस थ्री की वैल्यू आ गई एस टू प्लस ए थ्री। तो वहाँ से हमने ए थ्री की वैल्यू फाइंड कर ली एस थ्री माइनस एस टू। सिमिलरली ए फोर की वैल्यू आ जाएगी एस फोर माइनस एस थ्री एंड सो ऑन। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी हमें गिवन है, मीन्स एस एन की वैल्यू हमें गिवन है फोर एन माइनस एन स्क्वेयर। एक तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का सम मीन्स एस टू की वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म मीन्स ए वन की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म मतलब ए टू जो हमने लास्ट में किया था, ए वन की वैल्यू इज गिवन बाय एस वन एंड वैल्यू ऑफ ए टू इज गिवन बाय एस टू माइनस एस वन। एस वन एस टू की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस फार्मूले में एन की वैल्यू वन और टू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी एस वन और एस टू की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद हमने थर्ड टर्म टेंथ टर्म एंड सो ऑन एन टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो एस एन की अगर बात करें, एस एन में सबसे पहले एन की वैल्यू वन सब्स्टिट्यूट कर दी तो यहाँ पे हमारे पास एन एस वन की वैल्यू थ्री आ गई, तो ए वन विच इज एस वन इज इक्वल टू थ्री। तो एस टू की वैल्यू, तो एन की वैल्यू टू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फार्मूले में, तो वहां से हमारे पास एस टू की वैल्यू फोर आ गई है। तो ए टू विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने किया था एस टू माइनस एस वन, तो ए टू की वैल्यू एस टू माइनस एस वन करके हमारे पास क्या आ गई है वन। अब ए वन की वैल्यू हमारे पास थ्री आ चुकी है, और ए टू की वैल्यू की अगर बात करें तो ए टू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए टू की वैल्यू हमारे पास वन आ गई। अब डी की वैल्यू फाइंड करनी है विच इज ए टू माइनस ए वन, तो वो हमने कर लिया डी की वैल्यू ए टू माइनस ए वन वन माइनस थ्री। तो वहां से हमारे पास डी की वैल्यू भी आ गई। अब ए थ्री की वैल्यू, क्योंकि अब ए और डी की वैल्यू तो हमें पता चल गई है, तो हम ए थ्री की वैल्यू डायरेक्टली ए प्लस टू डी कर लेंगे। ए टेन की वैल्यू की अगर बात करें तो ए प्लस नाइन डी, और सिमिलरली ए एन की बात करें तो ए एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इन दिस वे हमने ए थ्री ए टेन और ए एन की वैल्यू, तो वो जो हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ए एन की वैल्यू आ गई फाइव माइनस टू है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। 6 के मल्टीपल्स, फर्स्ट 40 मल्टीपल्स का हमने यहाँ पे क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 6, सेकेंड टर्म 12 एंड सो ऑन। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास 6 आ गई, और डी की वैल्यू की अगर बात करें विच इज 6, 12 माइनस 6 विच इज 6। तो यहाँ पे हमने एस 40 फाइंड करना है, फर्स्ट 40 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 40 आ गई है, तो एन की वैल्यू 40 सब्स्टिट्यूट कर देंगे एस एन के फार्मूले में, ए की वैल्यू डी की वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वहां से हमारे पास एस 40 की वैल्यू आ गई 4920। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है, किसके मल्टीपल्स का, 8 के मल्टीपल्स का, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो फर्स्ट हमारे पास नंबर आ जाएगा 8, 16, 24 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, और यहाँ पे कितने मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है हमने, 15 का, तो एन की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 15। तो एस 15 में एन की वैल्यू 15 सब्स्टिट्यूट कर दी, ए और डी की वैल्यू 8 सब्स्टिट्यूट कर दी,
तुम्हारे पास S15 की वैल्यू आ गई 916। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द ऑड टर्म्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बीच में ऑड टर्म्स कौन कौन से हैं, 1 से लेके कितने तक, 49 तक। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू पता है, लास्ट ए एन की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ पे हमें एन की वैल्यू नहीं पता कि कितने नंबर है यहाँ पे 1 से लेके 49 तक। तो सबसे पहले तो हमने ए एन को कंज्यूम करेंगे 49, तो ए एन के फार्मूले में ए और डी की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले तो वहां पे से हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एन की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई 25। तो अब इट मीन्स यहां पे हमारे पास 1 से लेके 49 तक कितनी टर्म्स हैं, 25 है। तो अब हम सॉरी 25 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एन की वैल्यू 25, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 सब्सिट्यूट कर देंगे और डी की वैल्यू क्या सब्सिट्यूट कर देंगे, 2। तो S25 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 625। नाउ अब हम ए एन एंड एस एन से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टन डेट एज फॉलोज, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, थर्ड डे का फाइन जो है 300 है, एंड सो ऑन। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बींग ₹50 मोर देन फॉर द प्रसीडिंग डे। एक कॉन्ट्रैक्ट है जो एक स्पेसिफाई टाइम में कंप्लीट करना है कॉन्ट्रैक्टर ने, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग में वो उसको कंप्लीट नहीं कर रहा, तो उसका फर्स्ट डे का जो फाइन है वो उसको ₹200 देना होगा। सेकेंड डे में उसको कितना फाइन लगेगा, सेकेंड डे का 250, थर्ड डे का 300। ईच डे उसका जो फाइन है वो ₹50 इंक्रीज हो जाएगा। पहले जैसे थर्ड डे में 300 था, तो फोर्थ डे में उसको ₹350 फोर्थ डे के, ये नहीं कि फर्स्ट 4 डेज का फाइन उसको 350 लगेगा, सिर्फ फोर्थ दिन का फाइन जो लगेगा 350। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो 4 दिन काम लेट करता है तो पहले दिन का उसका फाइन जो बन गया 200, दूसरे दिन उसको 250 देने होंगे। 4 दिन काम उसने लेट किया तो तीसरे दिन का फाइन उसको 300 और चौथे दिन का उसको फाइन जो है 350। तो कुल मिला के उसको ये टोटल फाइन देना पड़ेगा अगर वो 4 दिन काम लेट करता है। अगर 3 दिन लेट काम खत्म करता है तो उसको इतना फाइन देना पड़ेगा, पहले 3 200 प्लस 250 प्लस 300। अगर 2 दिन काम लेट खत्म करेगा तो ये वाला फाइन 450 देना होगा। अगर 1 दिन काम लेट खत्म करेगा तो उसको 200 देने पड़ेंगे, एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन नाउ यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिलेड दी वर्क फॉर बाय 30 डेज। अगर वो 30 दिन काम लेट करेगा तो उसको कितना फाइन देना पड़ेगा। तो पहले दिन की पेनल्टी, दूसरे दिन की पेनल्टी, तीसरे दिन की पेनल्टी, एंड सो ऑन। तो ए की वैल्यू हमारे पास 200 होगी, डी की वैल्यू 50 है, तो एन की वैल्यू हमारे पास 30 है क्योंकि 30 दिन काम लेट खत्म करेगा, तो S30। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, S30। तो हमने टोटल फाइन काउंट करना है कि 30 दिनों का कुल मिला के उसको कितना फाइन देना पड़ेगा, पहले दिन का, फर्स्ट डे का, प्लस सेकंड डे का फाइन, प्लस थर्ड डे लेट करने का फाइन, एंड सो ऑन। और अगर 50th डे, और कुल मिला के 50 डेज का जो फाइन लगेगा वो टोटल लगेगा, मीन्स S30 सॉरी 30 डेज, S30 डे लेट है तो 30 डेज का कुल मिला के फाइन उसको देना पड़ेगा। तो S30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एन की वैल्यू 30, ए की वैल्यू 200 और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास S30 मीन जो आ गया 27,750, 27750। तो ये टोटल पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी अगर वो काम जो है वो 30 दिन लेट खत्म करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव अ कैश प्राइज टू दी स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज।
एक तो ये है कि अगर हम 7 जाने हैं, 700 रुपये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करना होता तो हम क्या करेंगे, तो सबको 100 100 100 दे देंगे, तो 7 जनों में 7 स्टूडेंट्स में ये हम 700 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जो जैसे फर्स्ट प्राइज की अगर अमाउंट 100 अगर हम अज्यूम कर लें, तो सेकंड प्राइज की जो अमाउंट होगी वो 80 होगी, 20 रुपीज कम होगी। थर्ड की जो होगी तो उसको भी हमने 20 रुपीज और कम देने हैं, ठीक है। ऐसे करते 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 चलेंगे, और टोटल जो हमने देना है तो वो टोटल डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है, 700। अब हमें ये नहीं पता कि इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी आएगी, ये तो मैंने एक एग्जांपल ले ली थी। नाउ तो यहाँ पे फर्स्ट प्राइज जो है, अगर फर्स्ट प्राइज अगर हम एक और एग्जांपल अज्यूम कर लें, अगर फर्स्ट प्राइज 200 है तो सेकंड प्राइज की जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी, 180, एंड थर्ड प्राइज की होगी 160 होगी, एंड सो ऑन। डी की वैल्यू तो यहाँ पे फाइनल है कि डी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, -20। ऐसे 7 की वैल्यू, क्योंकि 7 कैश प्राइजेज हैं और टोटल जो हमारे पास है वो 700 है, तो ऐसे 7 की वैल्यू हमारे पास 700 है, ठीक है। डी की वैल्यू सब चीज जोड़ कर देंगे, एन की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू हमारे पास -20 है, ये वैल्यू सब चीज जोड़ कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू पता चल जाएगी। ए मतलब फर्स्ट कैश प्राइज, फर्स्ट कैश कैश प्राइज की अमाउंट पता चल जाएगी, विच इज 160। इट मीन सेकेंड वाले को कितना देना, कितनी अमाउंट देंगे, 140, थर्ड वाले को 120, एंड सो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्कूल ए स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लानिंग प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। स्कूल के उन्होंने अराउंड ट्रीज प्लांट करने की वो सोच रहे हैं टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ द क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। मीन्स अगर वो क्लास 1 का बच्चा है, क्लास 1 के जो स्टूडेंट हैं, तो वो कितने प्लांट करेंगे ट्री, 1, सेकेंड वाले 2 करेंगे, थर्ड वाले 3 करेंगे, फोर्थ वाले 4 करेंगे, और 12th क्लास के स्टूडेंट कितने करेंगे, 12 प्लांट करेंगे। तो अगर फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स हैं, एक सेक्शन यहाँ पे, एक यहाँ पे भी ये गिवन है, एक सेक्शन क्लास 1 का कितना कितने ट्री प्लांट करेगा, 1 ट्री। सेकेंड क्लास के 2 प्लांट करेंगे और थर्ड क्लास के 3 करेंगे, एंड सो ऑन। और अगर यहाँ पे हमें गिवन है कि देर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास, फर्स्ट में भी 3 सेक्शन है, तीनों एक एक करेंगे, यहाँ पे भी 3 सेक्शन है, तो ये वाले स्टूडेंट जो है 2 2 2 करेंगे। थर्ड क्लास के भी 3 सेक्शन है, थ्री हर एक सेक्शन, क्योंकि हर एक सेक्शन 3 करेगा, तो यहाँ पे कुल मिला के 3 3 3, एंड सो ऑन। ना सबसे पहले तो अगर बात करें, फर्स्ट क्लास के 1 करेंगे 1 सेक्शन, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं 1 सेक्शन की बात कर रहे हैं, 1 2 3 एंड 12 सो ऑन। तो ए की वैल्यू की अगर बात करें, यहाँ पे हम 1 सेक्शन की बात करेंगे, बाद में तीनों सेक्शन को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, डी की वैल्यू 1 है, क्योंकि फर्स्ट क्लास का 1 सेक्शन 1 करेगा, सेकेंड क्लास का 2 करेंगे, थर्ड क्लास वाले 3 करेंगे, तो ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 1 है, और हमारे पास जो लास्ट है ए एन की वैल्यू 12 है, और डी की एन की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 12। तो सबसे पहले तो एस एन फाइंड कर लेंगे, तो वो हमारे पास आ गया 78। अब ये जो 78 है, एक सेक्शन की बात कर रहे हैं, एक सेक्शन 12 के 12 क्लासेस का अगर एक एक सेक्शन ले लें, तो वो 12 क्लासेस के कितने प्लांट होंगे ट्री, 78। अब टोटल क्योंकि कितने सेक्शन है हमारे पास, 3, हर क्लास के 3 सेक्शन हैं, तो 12 क्लासेस के क्या करेंगे हम, टोटल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 3 × 78 इट मीन्स 234 ट्रीज हम प्लांट करेंगे स्कूल के अराउंड टू रिड्यूस दी एयर पोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स
एक स्पाइरल है जो सेमी सर्कल से बनी है, ठीक है, विद द सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए बी एंड सो ऑन, स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए। यहाँ पे हमारे पास ए सेंटर है और दिस इज द फर्स्ट सेमी सर्कल। रेडियस जो है 0.45 सेंटीमीटर, सेकंड का 1 सेंटीमीटर, थर्ड जो स्पाइरल है उसका जो रेडियस गिवन है 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो ऐसी अगर सक्सेसिवली 13 सेमी सर्कल कंसिडर किए जाएं तो टोटल लेंथ जो होगी वो कितनी होगी। द फर्स्ट स्पाइरल यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, और सेकंड स्पाइरल यहाँ से यहाँ तक, थर्ड स्पाइरल, फोर्थ स्पाइरल एंड सो ऑन। सो कंटिन्यू लाइक दिस, हमने 13 स्पाइरल्स का क्या फाइंड करना है, सम टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्पाइरल आ गई, उसके बाद सेकंड स्पाइरल आ गई। अब सेकंड स्पाइरल का जो रेडियस है ये वाला 1 है, टोटल सेकंड स्पाइरल का है। फर्स्ट स्पाइरल की अगर बात करें उसका रेडियस ये था 0.5, सेकंड स्पाइरल का रेडियस 1, थर्ड का 1.5 एंड सो ऑन। तो 13 की 13 स्पाइरल्स का हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है। तो जैसा कि हमें पता है कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाईर होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्पाइरल जो है सेमी सर्कल शेप की है, तो एक स्पाइरल की जो लेंथ होगी सेमी सर्कल, क्योंकि उसकी शेप सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल शेप की एक स्पाइरल की जो लेंथ होगी वो पाईआर होगी, ठीक है। तो मीन्स हमने 13 का हमने सम फाइंड करना है। मीन्स पहली का हमारे पास πr1, सेकंड का πr2, थर्ड का πr3, फोर्थ का πr4 एंड सो ऑन πr13। तो ऐसे करके हम 13 की 13 स्पाइरल का सम फाइंड कर लेंगे। तो ए की वैल्यू की अगर बात करें तो ए की वैल्यू हमारे पास 0.5 पाई है। अगर πr1 यहाँ पे हमारे पास 0.5 है, तो πr1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो 0.5 पाई। πr2 की अगर बात करें तो ये हमारे पास आ गया 1 पाई एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 0.5 पाई, डी की वैल्यू 0.5 पाई और एन की वैल्यू 13 है। तो S13 के फार्मूले में हमने ए, एन और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास S13 की वैल्यू आ गई 143। तो 143 सेंटीमीटर जो है वो टोटल लेंथ आ गई 13 स्पाइरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, और जो सबसे नीचे वाली रो है उसमें कितने लॉग्स रखने हैं, 20, उसके बाद एक कम 19, फिर 18 एंड सो ऑन, 17, 16 एंड सो ऑन। तो कुल मिला के हमारे पास कितने लॉग्स हैं, 200 है। तो हमने ये बताना है कि टॉप वाली रो में कितने लॉग्स आएंगे, हाउ मेनी लॉग्स आर इन दी टोटल रो। टोटल हमारे पास कितने लॉग्स हैं, Sn जो हमारे पास है यहाँ पे हम 200 Sn को कंसिडर करेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास 20 है, डी की सेकेंड मीन्स हमारे पास फर्स्ट रो में 20 लॉग्स हैं, सेकेंड में 19 है, 13, थर्ड रो में 18 है। ए की वैल्यू 20 होगी, डी की वैल्यू हमारे पास -1 है, और टोटल जो हमारे पास है Sn वो हमारे पास क्या है, 200। Sn किसके इक्वल है, 200 के इक्वल है। तो Sn के फार्मूले में ए की वैल्यू डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, Sn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वहां से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास n की वैल्यू आ गई। एक तो वैल्यू हमारे पास 25 आ गई और दूसरी हमारे पास क्या आ गई, 16। तो अगर n की वैल्यू 25 है, अब हम ये देखना है कि अब क्योंकि एक तो अगर तो हमारे पास n की वैल्यू एक नेगेटिव आ जाती तो रिजेक्ट कर देते। अब हमने ये देखना है कि कौन सी वाली वैल्यू सही है। अगर n की वैल्यू 25 ले तो a 25 है, उसमें कितने लॉग्स आएंगे, -4, तो वो तो हो नहीं सकता, -4 लॉग्स तो हम रख नहीं सकते। तो इट मीन्स n की वैल्यू -25 इट इज नॉट पॉसिबल। तो इट मीन्स n की वैल्यू जो होगी वो 16 होगी। तो और लास्ट रो में हम कितने रो लॉग्स आएंगे, 5 लॉग्स आएंगे। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट एट ए स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो,
एक बकेट है वो फर्स्ट पोटैटो से वो कितनी दूर है, 5 मीटर दूर है। उसके बाद आफ्टर एवरी 3 मीटर एक पोटैटो रखा जाता है। पहला जो पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर दूर है। उसके बाद फर्स्ट पोटैटो से सेकंड पोटैटो की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 3 मीटर है। उसके बाद फिर से 3 मीटर, अगेन 3 मीटर, एंड सो ऑन। देर आर 10 पोटैटोज। कितने पोटैटोज हैं ऐसे रो में, 10 पोटैटोज हैं। एक कंपिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो एंड रन्स बैक इट। तो जब कंपिटिटर स्टार्ट करेगा तो पहला यहाँ से चलेगा, फर्स्ट पोटैटो उठाएगा, वहाँ पे वापस रखेगा, फिर सेकंड उठाने जाएगा, फिर सेकंड को वापस ड्रॉप करके आएगा बकेट में। उसके बाद फिर थर्ड उठाने जाएगा, थर्ड पिक करके उसको बाद फिर बकेट में डालने जाएगा, कंटिन्यू लाइक दिस। और लास्ट में वो 10th पोटैटो उठाएगा और बकेट में डालेगा। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे अब फाइंड करना है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया। जैसे अगर फर्स्ट पोटैटो की बात करें, तो अगर वो फर्स्ट पोटैटो उठा के वापस बकेट में रखता है तो 5 मीटर, एक फर्स्ट साइड के 5 मीटर वापसी के, तो 10 मीटर लेगा। फिर उसके बाद फिर से 8 मीटर दूर जाएगा, फिर 8 मीटर वापस आएगा, 16 मीटर सेकेंड पोटैटो उठाने में। उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया 16 मीटर सेकेंड में उठाने में। थर्ड फिर जाएगा, 5 प्लस 3 प्लस 3, 11 मीटर एक साइड का हो गया, और 11 वापस आएगा, 22, एंड सो ऑन। नाउ हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ द पोटैटो अगर बात करें तो 5 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम S10 फाइंड कर लेंगे, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे डबल के साथ, क्योंकि टू वो डबल हो रहा है सारा का सारा डिस्टेंस, पहले आ रहा है फिर वापस जा रहा है। या तो आप पहले इसको 10 कंसिडर कर लो, उसको इसको इसकी जगह पे आप 16 कंसिडर कर लो, इसकी जगह पे आप 22 कंसिडर कर लो, या फिर पहले 5, 8, 11 कंसिडर करके जो जो टोटल सम आएगा, टोटल डिस्टेंस आएगा इसका, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने सिंपल 5 वापसी का नहीं डाला, एक साइड का ही डाल दिया, 5, 8, 11। तो यहाँ से हमने S10 की वैल्यू फाइंड कर ली, तो S10 की वैल्यू हमारे पास आ गई 185। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि वापस भी उतना ही आ रहा है। तो टोटल जो हमारे पास आ गया 185 × 2, तो टोटल हमारे पास आ गया 370। तो ये हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए इस एक्सरसाइज के। तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।